नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL 2021 से रिलेटेड और भी कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। उसी के साथ साथ गाइस क्या AFC एशियन कप इंडिया में हो सकते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में भी फुल डिटेल्स के साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में जरूरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आगे जाकर भी आपको इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए अब बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आया है भाई SC ईस्ट बंगाल के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग यहां पर जानते हो SC ईस्ट बंगाल का कैसा परफॉर्मेंस हो चुका है इस सीजन के अंदर। ऊपर से बहुत सारे खिलाड़ी इनका चोटिल भी हो चुका है, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम है भाई डैनी फॉक्स, जिसके चलते यहाँ पर SC ईस्ट बंगाल का स्क्वाड में अनास एडाथोडी का जैसा अनुभवी डिफेंडर के साथ साथ राजू गायकवाड़ जैसा प्रतिभाशाली डिफेंडर और ब्रैंडन भल्लाल रिमडी का जैसा यंग टैलेंटेड खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। और इन तीनों खिलाड़ियों में से गाइस राजू गायकवाड़ आज से लगभग 4-5 दिन पहले ही गोवा पहुंच चुका है। इसके अलावा गाइस ब्रैंडन भल्लाल रिमडी का और अनास एडाथोडी का भी बहुत जल्दी ही गोवा पहुंचने वाले है। और इन तीनों ही प्लेयर्स गाइस गोवा पहुंचने के बाद रूल्स के मुताबिक 15 दिन का क्वारंटाइन में रहकर टीम के साथ जुड़ने वाले है। एंड गाइस उसी के साथ साथ यहां पर SC ईस्ट बंगाल अपना 7th फॉरेनर्स के दौर पर एक और नए खिलाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, जिसका नाम है गाइस ब्राइट एनोबाखरे। तो ब्राइट एनोबाखरे नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, एज 22, एज ए सेंटर फॉरवर्ड यानी कि स्ट्राइकर्स के पोजीशन में ये खेलते हैं। और फिलहाल ये खिलाड़ी नाइजीरिया अंडर 23 टीम के साथ जुड़ा हुआ है। इनके अगर क्लब करियर देखा जाएगा तो इन्होंने अपना क्लब करियर के अंदर उल्फ्स और विगन एथलेटिक जैसे क्लबों की तरफ से इंग्लिश चैंपियनशिप और लीग वन के अंदर खेला है। और इसके अलावा स्कॉटिश प्रीमियरशिप के अंदर भी इन्होंने किलमरनॉक FC जैसा क्लबों की तरफ से खेला है। और लास्ट टाइम ये खेल रहा था ग्रीस सुपर लीग के अंदर AEK एथेंस के तरफ से। एंड गाइस इसके अलावा इंटरनेशनल करियर के अंदर भी इन्होंने नाइजीरिया अंडर 23 टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो यहाँ पर गाइस शायद से ब्राइट एनोबाखरे SC ईस्ट बंगाल का 7th फॉरेनर्स हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में आगे जाकर अगर कुछ भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा अगला अपडेट्स निकल कर आया है भाई केरला ब्लास्टर्स FC की तरफ से। तो गाइस केरला ब्लास्टर्स FC ने यहाँ पर उनका यंगस्टर जैक्सन सिंह के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है। और अब जैक्सन सिंह 2023 तक केरला ब्लास्टर्स FC की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस फॉर्मर जमशेदपुर FC के स्ट्राइकर गौरव मुखी के बारे में, तो गाइस गौरव मुखी को यहाँ पर इस सीजन आई लीग के लिए शायद साइन कर सकते हैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। यहाँ पर गाइस गौरव मुखी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के साथ ज्वाइन करने का 100% चांसेस बढ़ चुका है। और शायद से गाइस बहुत जल्दी ही मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से हमें ये साइनिंग देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आया है भाई AFC एशियन कप 2027 के बारे में। तो गाइस यहाँ पर AFC एशियन कप 2027 का बीडिंग रखने के लिए सऊदी अरेबिया, कतर और उज्बेकिस्तान के साथ अब इंडिया का भी नाम शामिल हो चुका है। और इस बीडिंग के अंदर अगर AIFF विनर बन जाए तो यहाँ पर शायद से AFC एशियन कप 2027 हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और आज का हमारा आखिरी और सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है भाई इंडियन रेफरीज के तरफ से। तो गाइस यहाँ पर AIFF ने यह बात अनाउंसमेंट कर दिया है कि फॉरेन रेफरीज वोंट हेल्प नेट टू डेवलप आवर ओन, यानी कि गाइस AIFF ने यह बात साफ साफ बता दिया है कि जो फॉरेन रेफरीज है वो यहाँ पर हमारे इंडियन रेफरीज को मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेफरीज को अभी तक बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एंड गाइस यहाँ पर AIFF को यह डिसीजन लेना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले सीजन से ही देखा है कि ISL के अंदर किस तरीके से बहुत ही ज्यादा घटिया रेफरिंग हो रहा था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए गाइस AIFF ने यहाँ पर यह डिसीजन लिया है कि जो हमारे इंडियन रेफरीज है उनको अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जिसके चलते यहाँ पर AIFF ने यह बात कम्प्लीटली बता दिया है कि जो इंडियन रेफरीज है उनको यहाँ पर कोई भी विदेशी रेफरीज मदद करने नहीं आएंगे। तो गाइस AIFF का इस डिसीजन के बारे में आप लोगों का राय क्या है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।